हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक कुमार सिंह। वंस अगेन यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एक्सपर्टीज। आज की जो हमारी क्लास होगी वो फिर से टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस के ऊपर होगी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि इनसे जुड़े कुछ और भी विशेषताओं के बारे में हम इसी क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो है Which of the following landform is not associated with glaciation? ठीक है। तो हिमाच्छादन से संबंधित इसमें से कौन सा फीचर नहीं है, नहीं बोला गया है। तो फर्स्ट है हैंगिंग वैली, बी है मोरेन्स, सी है इंसेलबर्ग एंड डी है ड्रमलिंस। द राइट आंसर इज इंसेलबर्ग। अब इंसेलबर्ग कहाँ का फीचर है बताइए? बिल्कुल सही जवाब है, ये एक डेजर्ट का इरोजनल फीचर है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका डेजर्ट में पाया जाता है, इरोजनल फीचर है इंसेलबर्ग डेजर्ट का। बच्चों जो अगला सवाल है वो है द लॉयस फाउंड इन नॉर्दर्न चाइना इज, उत्तरी चाइना के अंदर जो लॉयस के आप लॉयस मैदान पाए जाते हैं वो किन चीजों से बनते हैं? माउंटेन स्क्रीज से, वॉल्केनिक एश से, रिवर डेब्रिस से एंड नन ऑफ दीज। बताइए, द राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। अब नन ऑफ दिस राइट आंसर क्यों है पता है? क्योंकि लॉयस का जो निर्माण है वो ब्लोइंग विंड, ठीक है, यानी जो रेगिस्तान से चलने वाली हवाएं हैं वो क्या करती है, अपने साथ रेत बहाकर लाती हैं और इन मैदानों का निर्माण करती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ एन इग्नियस रॉक्स, यानी इन चार में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान का एक सही एग्जाम्पल है? क्ले, सैंड, ग्रेनाइट और स्लेट। द राइट आंसर इज ग्रेनाइट। अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब पिछले ही क्लास में हमने ग्रेनाइट के ऊपर डिस्कशन किया था। ठीक है, दो तरह के, एक बेसाल्टिक और एक ग्रेनाइट रॉक्स जो होती हैं, उनका निर्माण किससे होता है? वॉल्केनिक एक्टिविटीज से, जो लावा आता है उसके जमने से होता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोरेन्स विच इज फॉर्म्ड वेयर टू स्मॉल ग्लेशियर्स कन्वर्ज स्ट्रॉन्ग, यानी जब दो छोटे हिमनद मिलते हैं तो कौन से हिमोड का निर्माण करते हैं, यानी कौन से मोरेन्स का निर्माण करते हैं? ए लैटरल, बी ग्राउंड, सी टर्मिनल, डी मिडीवल। तो मिडीवल मोरेन्स का निर्माण करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि कुछ इस तरह की शेप होती है, तो एक यहां से और एक यहां से जो मोरेन आएगा, तो यहां पे जो होगा वो होगा मीडियल मोरेन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेक्स आर टिपिकल फीचर्स ऑफ, यानी जो स्टेक्स हैं वो किसके टिपिकल फीचर्स हैं? कोस्टल ग्लेशिएशन इन टेम्परेट लैटिट्यूड, मरीन इरोजन बाय वेव्स, कोस्टल डिपोजिशन एंड मटेरियल एट रिवर डेल्टा। द राइट आंसर इज मरीन इरोजनल वेव्स। देखिए स्टेक जो है कुछ इस तरह, ये केव है, ये समुद्र के किनारे केव पाए जाते हैं, तो ये जो है यहाँ से टूटना शुरू हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, एक सीधे से डंडे के रूप में क्या होता है, हमें देखने को मिलता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेक्स के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूजुअल वे ऑफ शोइंग पॉपुलेशन इन द मैप बाय यूजिंग, तो पॉपुलेशन को किसी नक्शे पे दिखाने के लिए कौन सा मेथड सबसे बढ़िया रहता है? लाइन मेथड, स्क्वायर मेथड, डॉट मेथड एंड डी नन ऑफ दीज। देखिए बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है डॉट मेथड। ठीक है, कल भी मैंने बताया था कि अगर एक डॉट है वो 100 लोगों को दिखाता है, ठीक है, और तो 10 डॉट कितने लोगों को दिखाएगा बताइए? 1000 लोगों को दिखाएगा। तो मान लीजिए ये एक जगह है, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 क्या कर दिया, डॉट लगा दिया, तो ये एरिया कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1000 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डॉट मेथड जो है वो पॉपुलेशन को या एनिमल्स की काउंटिंग्स को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा जो है साधन है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द आरएफ ऑफ द मैप इज 1:25,000, दिस इज अ, अगर किसी मानचित्र का जो आरएफ है वो 1:25,000 है, तो वो है 1 inch map, 2 inch map, 2.5 inch map and 5 inch map. The right answer is 1 inch map. ठीक है, याद रखना, रट लेना, क्योंकि ऐसे सवाल नेट के एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। The next question is northwest passage is suitably shown in,
यानी जो नॉर्थ वेस्ट का पैसेज है यानी उत्तरी पश्चिमी जो मार्ग है वो कौन से प्रोजेक्शंस की वजह से बढ़िया तरीके से हमें देखने को मिल सकता है, जेनिथल, कॉनिनियल, सिलेंड्रिकल एंड नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज जेनिथल। जेनिथल जो प्रोजेक्शन है वो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट पैसेज को दिखाने में बहुत बढ़िया योगदान दिया आपने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इज प्रेजेंट इन ऑल ओशन एक्सेप्ट। अब देखिए पश्चिमी बहाव पवन जो है वो हर महासागर में है पर सिर्फ एक महासागर को छोड़ के, तो वो कौन सा महासागर है, आर्कटिक, इंडियन, पैसिफिक, अटलांटिक। द राइट आंसर इज आर्कटिक। देखिए इस वाले यानी नक्शे में आर्कटिक रीजन में कहीं पर भी जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है वो कहीं भी देखने को आपके नहीं मिलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन ऑफ एरिड वेस्टर्न यूएसए। तो जो शुष्क पश्चिमी अमेरिका है वहां पर किस तरह की वेजिटेशन यानी वनस्पति आपको देखने को मिलती है, ए कॉनिफेरस, बी डेसिडियस, सी ग्रासेस, डी ज़ेरोफाइट्स। द राइट आंसर इज ज़ेरोफाइट्स। तो याद रखिएगा डेजर्ट रीजन में जितनी भी वेजिटेशन पाई जाएगी वो होगी ज़ेरोफाइट, क्योंकि ये जो होती है 25 सेंटीमीटर से लेस देन जहां जिस एरिया में रेनफॉल होती है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है ज़ेरोफाइट्स के अंदर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माले इज अ कैपिटल ऑफ, यानी जो माले है वो कहाँ की राजधानी है, माली की, मालावे की, मालदीव्स की एंड नन ऑफ दीस। द राइट आंसर इज मालदीव्स, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटवार प्लेटो बाउंडेड इन ईस्ट बाय, यानी जो पोटवार प्लेटो है यानी पोटवार जो पठार है वो पूरब की तरफ से किसके द्वारा घेरा जाता है, ठीक है, ए इंडस रिवर द्वारा, बी सॉल्ट रेंज द्वारा, सी झेलम रिवर द्वारा, डी नन ऑफ दीस। द राइट आंसर इज झेलम रिवर। तो पोटवार प्लेटो को पूर्वी तरफ से कौन सी नदी घेरती है, झेलम नदी घेरती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बगलीहार डैम, बगलीहार जो डैम है वो कौन सी रिवर के ऊपर है, ए रावी रिवर, बी झेलम रिवर, सी चेनाब रिवर, डी नन ऑफ दीस। द राइट आंसर इज चेनाब रिवर, ठीक है। चेनाब जो है वो किसके ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी है, यानी रावी, झेलम और चेनाब ये तीनों ही इंडस रिवर की जो है ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो भारत में वो जो सिंधु नदी यानी 80% जो पानी है वो पाकिस्तान का और 20% जो पानी है उसके ऊपर भारत का अधिकार है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम्ड द फर्स्ट ज्योग्राफर प्रिपेयर्ड अ वर्ल्ड मैप, ठीक है, यानी दुनिया का पहला जो मानचित्र है वो स्केल के बेस पे, याद रखिएगा स्केल पे बेस पे किसने बनाया था, ए थेल्स ने, बी हेरोडोटस ने, सी टॉलेमी ने, डी एनेक्सिमेंडर ने। द राइट आंसर इज एनेक्सिमेंडर ने। स्केल का पहली बार यूज करके एनेक्सिमेंडर ने जो दुनिया का नक्शा है वो बनाया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेबीलोनियन इंस्ट्रूमेंट्स नोमोन वॉज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय, ठीक है। तो बेबीलोनियन जो सिविलाइजेशन था उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसको हम नोमोन के नाम से जानते हैं, तो उसको पहली बार किसने यूज किया था, ए एनेक्सिमेंडर, बी हेरोडोटस, सी थेल्स और डी होमर। द राइट आंसर इज एनेक्सिमेंडर। तो एनेक्सिमेंडर ने क्या किया था, इसको पहली बार इसका यूज किया था। अब हम बात करते हैं हेरोडोटस की। तो हेरोडोटस जो है वो है फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, याद रखिएगा हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, थेल्स जो थे एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज अ फादर ऑफ ज्योग्राफी, किसको भूगोल का जनक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ए एनेक्सिमेंडर, बी हिपार्कस, सी हेरोडोटस, डी इराटोस्थनीस। द राइट आंसर इज इराटोस्थनीस, ठीक है बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किशन गंगा डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ, यानी जो किशन गंगा डैम है वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी के ऊपर बनाया जा रहा है। देखिए किशन गंगा एक मेन नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो वो कौन सी नदी है, ए गंगा रिवर, बी सतलज रिवर, सी चेनाब रिवर, डी नन ऑफ दीस, बताइए। द राइट आंसर इज नन ऑफ दीस। क्यों पता है, क्योंकि ये झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, किशन गंगा जो है वो झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द लेंथ ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऑयल पाइपलाइन फ्रॉम बाकू कैस्पियन सी टू शेहान मेडिटेरियन सी अबाउट, यानी बाकू से लेके शेहान तक कितने किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन बनाई गई है? ए 1600 किलोमीटर, बी 2100 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो 1800 किलोमीटर है, ठीक है, बाकू से शियान तक बनाई गई है, ये एक पेट्रोल पाइपलाइन है, ठीक है। तो ये पेट्रोल को इस एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाई गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड 1st जनवरी 1995, 14 जनवरी 1997, 5th जनवरी 1993 एंड नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज 1st जनवरी 1995। तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे कारण ये था कि जो दुनिया के बीच में ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा था, तो अगर किसी दो कंट्रीज के बीच में कोई मतभेद आते हैं तो उन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए WHO का निर्माण किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोल्डन पीरियड ऑफ ग्रीक, ठीक है, गोल्डन पीरियड ग्रीक्स का कब से कब तक का माना जाता है? 4th सेंचुरी BC टू 1st सेंचुरी BC, 4th सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी BC, 5th सेंचुरी BC टू 1st सेंचुरी BC एंड 5th सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी BC। द राइट आंसर इज 5th सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी BC का जो टाइम था वो गोल्डन पीरियड था कक्स के लिए, ग्रीस के लिए, क्योंकि इस टाइम पे इन्होंने बहुत सारी चीजों की खोज करी थी और बहुत सारे जो भौगोलिक सूचनाएं थी, भौगोलिक तथ्य थे, उनका इन्होंने क्या किया था, निर्माण किया था। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी और बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल भी रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो को रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो कल मिलते हैं, बाय गाइस। Fearless.